सब लोगों को सुखी देखना चाहता हूँ, उसी में मेरी खुशी है। भौजी, भौजी ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। पुत्र, पुराने वक्तों में जाते समय कहा करते थे, मैं आता हूँ। बस इसी तरह आते रहा करो, हैं? जी भौजी, आता रहूँगा। जीजाजी, आपने हमसे जो वादा किया है आप याद रखेंगे ना? आपने वचन दिया है जीजाजी, भूलना मत। अरे भूलूंगा कैसे भाई, हाँ वचन ही तो निभा रहा हूँ। क्यों संतोष जी, चलता हूँ। बाबूजी मेरे बाहर पे छोड़ के आते हैं। हाँ जरूर जरूर। आज नहीं हो सकता, फिर कभी। आज नहीं, फिर कभी। दीदी, जीजा जी कितने अच्छे हैं ना? हाँ, पहले जीजा जी कितने अलग थे और अब कितने बदल गए हैं ना? ये तो दीदी का कमाल है ना दीदी? अच्छा, शरारती कहेंगे। अरे दमाद जी अचानक कार चले आए, थोड़ी देर के लिए तो दिल धक से रह गया। सोचा पता नहीं अब क्या हो गया, लेकिन जब तूने बताया कि तू हमसे मिलने आई है और वो तेरे साथ आए, तब जा थोड़ी सी तसल्ली हुई। बाबूजी, अब आप मेरी चिंता मत करिए, वो उस रात के बाद से बहुत बदल गए हैं ना। जिस रात मैं तुझे लेने आया था उसी रात से? जी। उसके बाद से उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं। तूने भी कुछ नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तूने कुछ नहीं पूछा, बातचीत नहीं है कि तुम दोनों में? नहीं बाबूजी, बातचीत कैसे नहीं, अब तो वो बहुत बदल गए हैं ना, अब तो खूब बोलते हैं, घर भी जल्दी लौट आते हैं, हम साथ बैठ के खाना खाते हैं, मेरे साथ हंसते हैं, बोलते हैं, यही सब बताने तो मैं आई हूँ यहाँ। जरा भी नाराज नहीं होते? नहीं बाबूजी, जरा भी नाराज नहीं होते। हाँ, एक दिन नाराज हो गए थे, वो उनके ऑफिस में ना बहुत काम था, तो घर लौटते समय उनको देर हो गई और मैं उनका इंतजार कर रही थी, तो मैंने खाना नहीं खाया, तो मुझे डांटने लगे, नाराज हो गए कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आइंदा ऐसे मत करना। जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देख रहा हूं कि तू बिल्कुल नहीं बदली। नई नई कहानियां बतलाकर अपने बौजी का दिल बहला रही है, लेकिन पुत्र झूठ भी उतना ही बोलना चाहिए जितने पे विश्वास हो सके।
बाबूजी मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। तो कैसे विश्वास कर लूं? एक आदमी रातों रात इतना बदल जाएगा, कितना परिवर्तन आ जाएगा उसमें। अपने आप को बदलना है या नहीं ये हम इंसानों पर निर्भर करता है। कोई जिंदगी भर नहीं बदलता और किसी को बदलने के लिए एक पल भी काफी होता है। वाह वाह पुत्र वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। बाबू जी मैं आपके सामने कैसे बड़ी बातें कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी चलो ना दीदी अब अपने कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ हम सबसे नीचे बैठे आपकी राह देख रहे हैं। ओहो मैं कहीं बाबूजी से बात तो कर लूँ। आप सिर्फ बाबूजी से मिलने आए हो हमसे नहीं? बाबूजी से तो बहुत बातें कर ली, अब हमसे भी बातें करो ना। हाँ हाँ आती हूँ। क्या आती हो अभी? चलो बंदी तो दीदी का हाथ पकड़। ओ तोते तोते तू इतनी बड़ी हो गई है कि तुझे गोद में उठाना मुश्किल है, तू संतोष को उठाने की बात कर रही है। बाजी थोड़ी और बड़ी हो तो फिर मैं आपको भी गोद में उठाऊंगी। अच्छा दीदी आप रोज आया करो, आप आती हैं तभी बाबूजी हंसते हैं वरना हमसे बात तक नहीं करते। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम लोग दीदी को अपने साथ ले जाओ और मेरी शिकायतें करो हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं करना, थोड़ी थोड़ी करना है। दीदी मुझे बाऊदी से कोई शिकायत नहीं है, बाऊदी तो बहुत अच्छे हैं। मुझे शिकायत है तो बली बुआ थे और तोती बुआ थे, वो दोनों मुझे बहुत डांटती हैं। अच्छा हाँ चलो उनसे पूछते हैं कि वो हमारी तोती को क्यों डांटती हैं। नहीं नहीं दीदी पूछना नहीं, उनको जाके डांटो। अच्छा बाबा अच्छा, मैं उनको बहुत डांटूंगी। चले चलो शुक्र है दीदी तुम्हें बाऊजी से फुर्सत मिल गई। हाँ। हमें तो लगा था कि अब तुम पूरा दिन वहीं रहोगी। लेकिन मैं पूरे दिन के लिए नहीं आई हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। नहीं दीदी हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। टिंकी तू कहाँ थी, मुझे लगा तो घर पे है ही नहीं। मैं यही थी, जीजा जी तुम्हारे साथ आए थे ना इसलिए उनके सामने नहीं आई। आज पहली बार इसने अकलमंदी का काम किया। सुना दीदी छोटी बुआ इसी तरह डांटती है, टिंकी कॉल मुझे भी, अब तुम भी डांटो इनको। वेरी नॉटी, डांट डपट बाद में करना, पहले जीजा जी को फोन घुमाओ और उनसे ये कहो कि तुम दिन भर यही हो, और उनसे ये भी कहो कि शाम को आते वक्त वो तुम्हें अपने साथ लेते जाए, ठीक है? लेकिन गुड्डी वो ऑफिस में बिजी होंगे ना, मैं कैसे उन्हें? वो चाहे जितने भी बिजी हो, बीवी हो तुम उनकी, एक फोन भी नहीं कर सकती। गुड्डी चल नंबर मिला उनके ऑफिस का। हाँ हेलो हेलो जीजा जी मैं गुड्डी बात कर रही हूँ, दीदी आपसे बात करना चाह रही है। लीजिए बात कीजिए। हेलो क्या है? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? फोन क्यों किया? यहाँ सब लोग जिद कर रहे हैं कि मैं पूरे दिन के लिए यहीं रह जाऊं। फोन क्यों, तुम रात को भी रुक जाओ ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और कुछ कहना तुम्हें? नहीं और कुछ नहीं कहना। लेकिन जीजा जी मुझे कहना है, आप शाम को ऑफिस से निकलकर यहाँ आइएगा और दीदी को अपने साथ घर ले जाएगा। देखो मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। आइए ना जीजा जी प्लीज, दीदी क्या अकेली घर जाएगी? अच्छा ऐसा करो इंद्र को फोन करके बुला लो, वो तुम्हारी दीदी को घर ले जाएगा, ठीक है? जीजा जी मेरी बात लो, फोन ही रख दिया उन्होंने। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि वो बहुत बिजी होते हैं ना ऑफिस में। हाँ हाँ हम भी कहते हैं तुम्हें, तुम घर जाओगी तो जीजा जी के साथ। हाँ ओए होए बहन जी अभी आई है नहीं है और उनके जाने की बातें पहले कर रही हो, गल नहीं बात नहीं। तू बतला फिर कौन सी बातें कर ले? गर्मा गर्म पकौड़ों की, बादाम की फिरनी की और चने भटूरों की। ये सब कौन बनाएगा, तू बनाएगा? मैं अकेला क्यों बनाऊंगा, साथ में ये दोनों बावर्चने बनाएंगी। छोटी पुआ बड़ी पुआ चलो रसोई घर में। बावर्चने कहता हमें? घोड़े ये तो समझ ले कि संतोष रानी आई हुई है इसलिए हम तो जो कुछ नहीं कह रहे, वरना ना तेरी बात का मुंह तोड़ जवाब देते। चल छोटी इडियट। देखा दोनों चुड़ैल को पका दिया मैंने। yeah!
अस्सलाम वालेकुम अहमद मियां। राम 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 हरी राम। सोना की भी आ रही है। ओए ये गुमसुम क्यों है? फिर कोई परेशानी लेके आया मेरे पास? ये तूने कैसे जाना? मैं क्या परेशान नजर आ रहा? हाँ थोड़ा सा नजर आ रहा है और थोड़ा सा नहीं भी। चेहरे से खुशी भी झलक रही है और दुख भी। कमाल नजूमी कब से बन गए? और नजूमी मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ। तेरे चेहरे को देख के तेरे दिल का हाल यूँ पढ़ लेता हूँ। अच्छा तो फिर बतला मैं तुझसे क्या कहने आया। बतला दू? बतला। डिंकी का कोई रिश्ता आया है? नहीं अब उसकी कोई जल्दी नहीं। अच्छा ये बात है तो फिर संतोष की कोई खबर आई है? संतोष खुद आई है। तुम्हारी से छोड़ गया है क्या? क्या था वो गधा पाजी साथ आया था? ना ऐसा ना क्या है उनके लिए। वो तो संतोष को कार पहुंचाने आए थे। मुझसे भी बहुत अदब और तमीज से बात की। मेरे पांव छुए, खैरियत पूछी मेरी। उन दोनों को साथ देखकर बड़ी तसल्ली हुई। और लाला तू भी कमाल की चीज है। जरा सी बात हुई कि मुंह लटक जाता है और जरा सी बात हुई नहीं तो खुशी से फूल जाता है। सुख दुख गम खुशी यही तो जिंदगी है। अहमद संतोष को खुश देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। लाले जब संतोष खुश है तो फिर उदासी का सबब? तू कह रहा था कि तू परेशान भी है। अहमद संतोष की बात पर एकदम से विश्वास नहीं होता। कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? तुम आज एकदम से कैसे बदल गए? ओए मौसम बदलते हैं, आसमानों के रंग बदलते हैं, हवाएं पलटती हैं। इंसान भी तो इसी कायनात का हिस्सा है, बदल सकता है। लेकिन हाँ एक बात तुझसे कहूंगा, अब डिंकी की शादी में देर मत करना। ये मत सोचना कोई जल्दी नहीं है। नहीं अहमद, जल्दबाजी का नतीजा देख लिया, बहुत भुगत लिया हम सब ने। डिंकी की शादी बहुत सोच समझ के करेंगे। लेकिन अहमद उससे पहले एक और जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। वो क्या? अपनी दोनों बहनों का ब्याह। कब तक कुंवारी बैठी रहेंगी? हाँ भाई ये परेशानी तो है। कोई अच्छा सा रिश्ता हो ना तेरी नजर में तो बतलाना। नजर में क्या, मेरी फैक्ट्री में लड़का खानदानी है, अच्छा खासा कमा धमा लेता। उम्र क्या होगी? 35-40 के बीच होगा। टीटो सिंह नाम है। टीटो सिंह अजीब सा नाम है, है? और नाले नाम जितना अजीब है ना लड़का उतना बढ़िया है। तो फिर ब्याह क्यों नहीं हुआ उसका अब तक? ये ऐप ऐप तो नहीं है? और नहीं नहीं ऐसा कोई ऐप नहीं है, बस एक हल्की सी गड़बड़ है। क्या है लड़की पसंद भी आ जाए ना तो भी ना कर देता। पसंद आ जाए फिर भी ना कर देता? कहता है कि जब तक लड़की को देखकर उसका दिल टक 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 नहीं धड़केगा ना तब तक ब्याह नहीं करेगा। अजीब शर्त है। लेकिन तू फिक्र ना कर, ऊपर वाले ने चाहा ना तो इस बार उसका दिल टक टक जरूर धड़केगा। दीदी क्या ढूंढ रही हो? अरे डिंकी मैं अपनी चुन्नी यहाँ छोड़ गई थी, वही ढूंढ रही हूँ। हरे रंग की थी? हाँ
मैंने उठा के रख ली थी। ये रही। अरे हाँ, चल अच्छा हुआ तू आ गई, कब से ढूंढ रही थी इसे। मैं दीदी, मैं भी बड़ी देर से तुमसे अकेले में बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, कौन सी बात? उस रात की बात, जब जीजा जी ने मुझसे पूछा था ब्याह करोगी मुझसे। दीदी, अब उस बात का जिक्र भी मत करो। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उस बात को। कैसे भूल जाऊं दीदी, बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि उन्होंने ऐसी बात की क्यों, क्यों बोले वो ऐसा। ये भी ना सोचा कि इस सवाल से कितना दुख पहुंचेगा मुझे। दुख वो तुझे नहीं, मुझे देना चाहते। तुम्हें? हाँ, मुझे। वरना क्या वो ये नहीं जानते कि तुझसे ब्याह करना कितना नामुमकिन है उनके लिए। उनका मकसद तो सिर्फ ये था कि उस सवाल से मुझे तकलीफ हो, मैं उनके साथ बहस करूं, लड़ाई झगड़ा करूं, ताकि हम दोनों में दूरियां और बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीदी, तो क्या अब वो तुम्हारे साथ ठीक रहते हैं? हाँ, जबरदस्ती ही सही, लेकिन मैं जो कहती हूँ मान लेती हूँ। दीदी, बाबूजी बहुत फिक्र कर रहे थे तुम्हारे, मुझे पता है, इसलिए तुम्हें आज यहाँ आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, उनको यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है, अब वो मेरी फिक्र ना करें। सच सच बताओ दीदी, क्या वाकई सब ठीक है? अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? तुझे याद है जब हम छोटे थे तो परी और जादूगर की कहानियां सुना करते थे। काश मेरे पास भी वो जादू चिराग होता जिसकी रोशनी करते ही पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो जाता, हर इच्छा पूरी हो जाती, हर सपना साकार हो जाता। अब भी होगा दीदी, तुम इतनी अच्छी हो, सबके लिए इतना प्यार है तुम्हारे दिल में, इसीलिए तो सब इतना चाहते हैं तुम्हें। सिवाय उनके एकदम भाभी चाहिए, देखना बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। इसी उम्मीद पे तो जी रही हूँ। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई, मुझे घर लौटना है। बाबूजी के आने तक रुकोगी नहीं? नहीं, फिर आऊँगी, और अब तो आती रहूँगी। मायके आकर वापस ना जा सकूँ ये डर अब दिल से निकल गया है। चलती हूँ। दीदी थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज़। वो अब मैं फ़ौरन थोड़ा ना जा रही हूँ, सबसे मिलते मिलाते पता नहीं कितना वक्त लग जाए। अरे दीदी आपकी चुन्नी। अरे हाँ देखिए, ये चुन्नी तेरे सूट के साथ कितनी मैच कर रही है। तू पहन ले। थैंक यू।